हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथ्स ऑफ क्लास टू। डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव डन एक्सरसाइज नंबर 7 बुक पेज नंबर 19 यस्टरडे, सो नाउ वी हैव द एक्सरसाइज 8 एंड ऑफ पेज नंबर 20। सो नाउ वी आर स्टार्ट एंड डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8, जिसमें हमें कहा गया है कि फॉर्म अ नंबर विद, यानी कि आपको नंबर्स दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास सबसे नंबर वन जो हमारे पास नंबर होता है वो आता है वंस की जगह पे, यानी वंस की जितनी भी लिमिटेशंस होती हैं, वंस में जो नंबर आते हैं वो 1 to 9 तक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास, वो आते हैं वंस में। फिर वन डिजिट नंबर, फिर हमारे पास 10 में आ जाता है 2 डिजिट नंबर, जैसे कि 10 जो होता है वो 2 डिजिट हो जाता है, जैसे कि 1 और 0, तो ये 2 डिजिट्स बन जाते हैं। इसलिए वो जो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक ख़त्म होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक ख़त्म होते हैं, ये होते हैं 10s की प्लेस में। और 1s की प्लेस में हमारे पास आते हैं 0 to 9। इसी तरीके से हमारे पास 100 की प्लेस में आते हैं 100 से 999 तक, और इसी तरीके से सो ऑन। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि वंस में हमारे पास आएंगे 0 to 9, टेंस में 2 डिजिट, जो कि 2 डिजिट्स हो जाते हैं। आपको नज़र आ रहे हैं 10 जो है वो 2 डिजिट पहला नंबर है, और 99 जो है टेंस का 2 डिजिट का लास्ट नंबर है, 100 जो है वो 3 डिजिट नंबर आ जाते हैं। 100s में वो 100 से स्टार्ट होकर 999 पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं वंस, टेंस और 100s, यानी कि हमने अब हमें एक नंबर दिया गया है और हमें कहा गया है कि इसको यहाँ पर पुट करना है, यानी कि 100 की जगह पे या 10 की जगह पे या 1s की जगह पे। तो सबसे पहले हमें एग्जांपल दी है 4 in 10th प्लेस। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है कि 10th प्लेस यहाँ पर है, ये है 10th प्लेस, ये आपका 10th प्लेस है, ये 1s का प्लेस है और ये 100 का प्लेस है। तो हम अगर हमें ये ऊपर मेंशन ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि 0 का यानी कि 1s का प्लेस कौन सा है 10th का। तो 1s का प्लेस हमेशा यहाँ से होता है जो 1 डिजिट होता है, और जब 2 डिजिट हो जाते हैं उसके बाद होता है 10th के बाद जो 3rd होता है हमारा 100। तो नंबर 1 है कि 4 in 10th प्लेस, यानी 4 को आप 10th की प्लेस में लिखेंगे, 8 in 1s प्लेस, तो 1s प्लेस हमारे पास ये है, तो 8 को आपने 1s की जगह पे लिखना है, और 3 in 100 प्लेस, तो यानी कि 3 को आपने 100 की जगह पे लिखना है, तो हमारे पास आ जाएगा 348। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ये तो एग्जांपल थी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 5 in 1s प्लेस, यानी 5 को आप 1s की जगह पे लिखें, तो ये है हमारा 5 का 1 का प्लेस है, 5 को हमने यहाँ लिख दिया। 8 in 10s प्लेस, 8 को हमने 10 की जगह पे लिख लिया, और 3 in 100 प्लेस, यानी 3 को 100 की जगह पे लिख दिया। ये आपको क्लियर हो गया। इस तरीके से हमें बताया गया है कि 7 को 10s की प्लेस में लिखें, तो 6 को 10s की प्लेस में लिखें, तो 6 हमने यहाँ लिख दिया। 8 को 100 की प्लेस में, 8 को यहाँ लिख दिया, और 3 को 1s की जगह पे, तो 3 को हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद है हमारे पास कि 1 को आप 10s की जगह पे लिखें, तो 1 को हमने 10s की प्लेस में लिख दिया, 8 को 1s में और 3 को 100 में। तो इस तरीके से हमने इनको, ये एक्सरसाइज नंबर 8 जो है आपकी लिख देनी है, कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज नंबर 9। एक्सरसाइज नंबर 9 में है कि मैच द फॉलोइंग। ओके, एक तरफ आपको स्पेलिंग में लिखी गई है और एक तरफ आपको नंबर्स में लिख दिए हैं, तो आपको उन्हें इसको मैच करना है। किस तरीके से, जैसे है कि 412, तो यहाँ पर हमने सर्च करना है, तो 412 हमें यहाँ मिलेगा, तो उसके साथ हमने मैच कर देना है। नेक्स्ट में है 901, तो 901 हमारे पास यहाँ पर आ गया, तो इसको हमने मैच कर दिया। थर्ड में है 317 को हम यहाँ ले आए, इसके साथ मैच कर दिया। 230 को हमने यहाँ पर मैच कर दिया, और 657 हमारे पास है यहाँ पर, तो इसके साथ हमने मैच कर दिया। तो ये हमारी पेज नंबर 21 की एक्सरसाइज नंबर 9 थी। अब हम आगे मूव करेंगे पेज नंबर 22 की तरफ, और यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा हमें एक एक्टिविटी दी गई है, जिसमें हमें क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 10 में है हमारे पास कि अमिलोमीटर शोज द फॉलोइंग रीडिंग एट द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी 389 किलोमीटर, व्हाट विल बी द रीडिंग बी व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड। कहते हैं कि एक मिलोमीटर यानी हमें ये शो करता है कि एक ये कार है जिसने एक सफ़र स्टार्ट किया है, और उसने सफ़र स्टार्ट किया तो उसने अभी 389 किलोमीटर जो है वो क्रॉस कर लिए हैं। तो अब हमें इन्होंने बताया है कि अगर अभी कुछ हमें रीडिंग्स दी गई हैं कि अगर उसके ज़्यादा वो और इतना करेगा
इतना वो ट्रैवल करेगा तो हमारे पास टोटल किलोमीटर कितनी है, हमारे पास आएंगी रीडिंग ऑफ द जर्नी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास गिवन है 389, यानी इसने गाड़ी ने अभी सफ़र किया है 389 किलोमीटर। अब हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन में कि 10 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्ट, यानी हमने 10 किलोमीटर उसको और ऐड करना है। जैसे 389 हमारे पास गिवन था, अब उसके साथ हमने 10 किलोमीटर और जमा करना है। यानी कि अगर गाड़ी ने 389 किलोमीटर सफ़र किया है तो अगर 10 किलोमीटर वो और सफ़र करेगा तो हमारे पास टोटल क्या आएगी। तो डियर स्टूडेंट, हम जब भी ये किलोमीटर है आपने यूनिट इसका लिखना है किलोमीटर, 389 के साथ हम 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 399। तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर आएगा 399। फिर हमारे पास है कि 60 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्ट, तो अब हम 389 के साथ 60 को ऐड करेंगे, तो 60 को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 449। तो आप लोगों ने ये रफ वर्क में या इसकी बुक पे आपने ज़रूर मेंशन करना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारे पास ये आंसर्स कैसे आए। तो जब 389 के साथ हमने 60 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 499। फिर कहते हैं कि 200 किलोमीटर, अब हमने 389 के साथ 200 किलोमीटर को भी ऐड करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि फ्रॉम द स्टार्ट, तो स्टार्ट में तो उसने 389 ही किया था, तो 389 के साथ 200 प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 589। लास्ट में है 600, तो 600 को हम 389 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 989। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज नंबर 10, आपको क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 11 है जिसमें हमें कहा गया है काउंट एंड देन राइट बैकवर्ड्स इन टेंस, यानी हमने काउंट करना है और इन नंबरों को टेंस, यानी 10-10 उसमें से नंबर हमने कम करने हैं। 10 की प्लेस में आपकी चेंजेस आएगी, 10 की प्लेस हमारे पास होती है ये वाली, ये आपको नज़र आ रही है, ये है 10 की प्लेस और यहाँ पर चेंजेस आएंगी। क्यों चेंजेस आएंगी? क्योंकि इन्होंने कहा है कि 10-10 को आप लोग बैकवर्ड में जाएंगे, यानी कि आपके पास नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके पास चिप्स के पैकेट है, एक बहुत बड़ा चिप्स का पैकेट है, उसमें से मैं आपको कहती हूँ कि इसमें आप 10 चिप्स जो हैं वो हटा दें, तो आपके पास कितने रह जाएंगे? फिर उसको दोबारा आपने 10 चिप्स उसमें से हटा दिए तो आपके पास पैकेट में कितने चिप्स रह जाएंगे वो आपने लिख दिए। फिर लिखने के बाद मैं आपको कहती हूँ कि अब 10 चिप्स और इसमें से कम कर लें, तो वो फिर आप 10 चिप्स हटाएंगे, फिर मैं आपको बोलूँगी कि वो रीडिंग लिखें, तो कितने आपने, इसी तरीके से आपने इसकी काउंटिंग करनी है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि नंबर वन है 385, तो 385 से हम लोग 10 जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 775, फिर उसमें से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 765, फिर 755, 745 और 735, यानी कि टेंस की प्लेस में आपका चेंज आ रहा है, 10-10 आपने उसमें से कम करने हैं यानी माइनस करने हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 496 है तो 486, 476, 466, 456 और 446, इस तरीके से 678, 668, 658, 648, 638 एंड 628, और इसी तरीके से आपकी ये वाली भी एक्सरसाइज में आपने ये कंप्लीट कर देना है। तो आपको क्लियर हो गया कि हमने इसमें से 10 की प्लेस को हमने 10-10 इसमें से माइनस कर दिए हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज, ओके, आपने ये भी शो रखना है कि ये बैकवर्ड में है, यानी इसको कम करना है। अगर ये होता कि फॉरवर्ड आपने करना है तो हम आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन इन्होंने बैकवर्ड, यानी बैकवर्ड के पीछे की तरफ जाएं, यानी कि कम करें, इसमें माइनस करें। अब है एक्सरसाइज 12 में कि स्किप काउंट इन हंड्रेड्स एंड देन राइट द नंबर। स्किप काउंट इन हंड्रेड्स का मतलब है कि हमने इसमें से अब हंड्रेड्स को, अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको हंड्रेड्स की, जैसे हमने बैकवर्ड में गए थे तो यहाँ पर हम लोग इसको 100 ऐड करेंगे, काउंट उसको 100 ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास है, यहाँ पर आपका चेंजेस आएगी इस जगह पे 100 की प्लेस में, यानी एक नंबर के साथ आपने 100-100 ऐड करना है। तो जैसे देखते हैं कि 675 है तो 775 हो गया, फिर 100 प्लस करेंगे 875, फिर उसके साथ 100 प्लस करेंगे 975, फिर 1075, एंड इसी तरीके से आपने करना है, यानी एक नंबर के साथ आपने 100-100 ऐड करना है। जैसे 557, 657, 757, 857 एंड 957, इस तरीके से आपकी ये भी एक्टिविटी हो गई कि आपने इसके साथ भी 100-100 को ऐड करना है। तो ये देखें 200, 300, 400, 500, 600, इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 13। ये आपकी जो है, इसमें बताया गया है कि टिक द बिगेस्ट नंबर एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी इन में से हमारा जो बिगेस्ट नंबर होगा उसको हमने टिक करना है और जो स्मॉलेस्ट होगा उसको हमने क्रॉस लगाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 467 था, फिर 867 था, फिर 963, 678, 453 एंड 462। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 900 में आ रहा है, तो इसको हम टिक लगा लेंगे
और 4 सबसे स्मॉल है इसको क्रॉस कर लेंगे। इसी तरीके से इसमें सबसे बड़ा जो था वो 788 था, उसको हमने टिक कर लिया, और 434 जो था स्मॉल था उसको हमने क्रॉस कर लिया। इस तरीके से इसको भी इन सब में इस लाइन में आपने यूं करके देखना है। तो 3 में आपका जो है 987 सबसे बिग है, तो उसको आपने टिक कर लिया, इसको क्रॉस कर दिया। इसी तरीके से इसको भी आपने टिक कर लिया और इसको क्रॉस कर दिया, यानी जो बड़ा नंबर था उसको हमने टिक लगा दिया और जो सबसे छोटा डिजिट जो था हमने उसको क्रॉस कर दिया। तो ये हो गई हमारी आज की एक्सरसाइज, आपका सारा काम जो मैंने समझा दिया है। अब आपका होमवर्क है, होमवर्क आपका पेज नंबर 23 पे ये है कि आपने इसको कंप्लीट द नंबर स्क्वायर, यानी आपने इसको ब्लॉक को कंप्लीट करना है 100 तक। जैसे कि 1, तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आपने लिखना है, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से। मेक श्योर कि आपके नंबर जो हैं इसी साइज के होने चाहिए, ना बहुत छोटे होने चाहिए ना बहुत बड़े। तो ये आपकी जो है होमवर्क, आपका टास्क है, आपने इस तरीके से इस ब्लॉक को कंप्लीट करना है। आपने काउंटिंग लिखनी है 1 to 100 तक आपने पहुंचाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने काम भी कर लिया और हमने होमवर्क भी समझा दिया। सो फॉर नाउ स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।